माँ बाप एक लड़के के साथ में मेरे पास में आए, होमोसेक्सुअल है करके। लड़का करीब करीब 32-33 साल का, अभी अमेरिका में पिछले 4 साल से है। दिखने में एकदम स्मार्ट है और हाईली क्वालिफाइड है, पोस्ट ग्रेजुएट है और कोई कंप्यूटर कंपनी में वहाँ सर्विस कर रहा है। पैकेज भी बहुत अच्छा है, अच्छी लाइफ स्टाइल है। और वो पिछले 4 साल से अभी छुट्टियों में इधर आ गया, इंडिया में आ गया। तो उसके माँ बाप उसके पीछे लगे, शादी करो शादी करो। तभी उसने 2 दिन पहले ही सिर्फ, मतलब यहाँ आने के 2 दिन पहले ही सिर्फ उनको बताया था या बताया कि भाई मेरे को शादी करनी नहीं है। फिर जब आ गया यहाँ इंडिया में तो पूछा, भाई क्या हो गया तेरे को, शादी क्यों नहीं करनी की है? फिर उसने माँ बाप को बोला कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि मैं होमोसेक्सुअल हूँ और मेरा ओरिएंटेशन जो है वो होमोसेक्सुअल की तरफ है। तो उनको एकदम शॉक बैठ गया, ये क्या बोल रहा है। माँ को तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो बोले क्या होता है होमोसेक्सुअल? फिर उसने बताया कि भाई अमेरिका में ऐसा होता है कि जहाँ गे कम्युनिटी है, गे कॉलोनी है, मतलब जो होमोसेक्सुअल है वहाँ रहते हैं, फिर गे बार्स होते हैं, वाइन बार्स या अल्कोहल के बार्स होते हैं, वहाँ गे लोग जाकर, गे के रेस्टोरेंट अलग अलग है, गे के लिए क्लब्स है, और वहाँ जाता हूँ मैं और वहाँ हम कांटेक्ट करते हैं एक दूसरे से और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मैं सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाता हूँ, बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होता हूँ, बड़े छोटे जो भी है। और मैं कभी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ, मतलब एक्टिव सेक्स करता हूँ या सेक्स करवा के लेता हूँ। मैंने बोला भाई आपको ये मिलते कैसे? बोले तो ओपन है, बोले वहाँ फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आती है, व्हाट्सएप के ग्रुप है, फेसबुक के ग्रुप्स है गे लोगों के लिए, और वो सब वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो बहुत ही ओपन है, नॉर्मल है वो। मतलब अमेरिका में तो आज ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं कि भाई गे है करके प्रॉब्लम है या लोग अलग नज़र से देखेंगे। इंडिया में ऐसा प्रॉब्लम है, इंडिया में गे बोला या होमोसेक्सुअल बोला तो उसको अलग तरह से देखेंगे। मतलब भाई आप माँ बाप जब सब बोलने लगे, उनको जो शॉक लगा उनके वजह से उनको दोनों को डिप्रेशन आ गया कि भाई एक ही लड़का है, चाहते हैं कि शादी कर लेंगे, उसका वंश वृद्धि हो जाएंगी, बच्चों को बच्चा हो जाएगा तो चलो अच्छा लगेगा, माँ बाप को भी रिटायर होने वाले हैं और बाद में अभी वो रिटायर होंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि भाई चलो बच्चे के पास में रह रहे, पोता पोती है, उनकी लाइफ अच्छी जाएंगी। मगर बोलते हैं उनको शादी करनी नहीं है, तो उनको शौक बढ़ गया। बोले अभी इसको तुम कुछ भी करो और इसका जो विचार है वो पलटाओ। मैंने बोला भाई ऐसा होते नहीं रहता, उसकी इच्छा नहीं है, वो तो क्लियर कट है कि मेरे को ऐसे रहने का, आप ज़बरदस्ती उसके ऊपर कर नहीं सकते। अभी हमारे देश में भी कायदा है कि भाई नहीं, अभी ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है और कोई होमोसेक्सुअल है तो ठीक है, उसको होमोसेक्सुअल रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मेरे पास में ऐसे लोग काफ़ी आते, मैंने उनको बोला कि जो लोग बोलते हैं कि हमारा होमोसेक्सुअल अट्रैक्शन है, मैंने कभी होमोसेक्स किया नहीं है या किया होगा तो एक हाथ दो बार किया है। मेरी इच्छा होती है कि भाई सेम सेक्स के साथ में मतलब सेक्स करूँ, मगर मैं करता नहीं हूँ। अभी मुझे प्रेशर आ रहा है कि मैंने शादी करना चाहिए, मुझे भी लगता है कि मैंने शादी करना चाहिए, और जब मुझे लगता है कि मैंने शादी करना चाहिए लड़की के साथ में, तो फिर अभी मेरा ओरिएंटेशन जो है वो अभी बदलाओ, उसमें बताओ क्या करना। तो ऐसे केस में मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। फिर उसके लिए सेल्फ हिप्नोसिस है, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स है, इमेजिनेशन है, सब अलग अलग टेक्निक्स है, उसको अच्छा कर देता हूँ उसकी इच्छा है तो। अभी यहाँ तो लड़की की इच्छा ही नहीं है, वो नहीं बोलता मुझे होना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है। फिर माँ बाप उसको ये बोल रहे कि भाई तू कर ऐसा कर कि तू कोई लड़की के साथ में शादी तो कर ले कम से कम। तो नहीं, मेरे को वो लड़की को फंसाना हो जाएगा, मेरे को शादी करनी नहीं है। बोले ऐसी कोई लड़की तैयार होगी तो? मतलब ऐसी कोई लड़की तैयार होंगी कि जो सेक्स ये नहीं करेगा तो रहेंगी इसकी औरत बन के रहेंगी, वो तो एक मेड सर्वेंट जैसी होगी, वो क्यों रहेंगी है? उसको हो सकता है कि शादी के समय पूरी जानकारी पूरी खबर दी नहीं तो उसमें हाँ में हाँ मिल जाएंगे खादी गरीब घर की लड़की, और बाद में वहाँ जाने के बाद में मालूम पड़ेगा कि अरे ये तो ऐसा है, बाद में भाग के आ जाएंगी। तो नॉर्मली ऐसा होगा नहीं, और मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करता हूँ कि ऐसा करो। लड़का भी शादी के लिए तैयार नहीं है, वो भी सुख नहीं दे पाएगा, वो तो काम वाली बाई करके वो वहाँ जाएंगी क्या, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी शादी मत करो जबरदस्ती इसकी। बोले हाँ, लड़का बोले कि आप ऐसी शादी जबरदस्ती करने वाले करो, मेरा क्या प्रॉब्लम है, ऐसी कोई लड़की मिलती है तो मिला दो, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं बोलता, मगर मैं मेड सर्वेंट करके उसको रखूँगा, बोला ऐसा मत करो। तो ऐसे उनके आपस में काफ़ी बातचीत चल रही थी, बहसबाजी चल रही थी, डिबेट हो रहा था। मैंने बोला भाई हम 2-3 सीटिंग बैठेंगे। बोले कि नहीं, हमको विश्वास है कि आप हिप्नोटिज्म करेंगे और हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग का ये निकाल डालो। बोला ऐसा होता नहीं, हिप्नोटाइज करके ऐसा दिमाग का निकलता नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले ठीक है, हम आपके पास में आएंगे और 2-3 बार। मतलब भाई बेहतर ये है कि आप उसको उसका जीवन जीने दो, उसके जीवन में आप
बीच में मत आओ, जो भी वो चाहता है ऐसा उसको करने दो, उसमें उसको आनंद है करने दो, बाकी तो अच्छा चल रहा है, फाइनेंशियली अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका जीवन जीने दो उसको। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो इसके वजह से सफ़र हो रहे हैं, माँ बाप भी सफ़र हो रहे हैं, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाओ, ताकि जो लोग यहाँ अटके हुए वहाँ से वो फ्रीडम मिल जाएगा, फ्री हो जाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।